स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ते हैं और यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे सर को मैं को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग ये वाला श्लोक पढ़ेंगे 38, 39, 40, 41, 42। बाकी लोग अभी जुड़ने वाले हैं, सुबह का टाइम है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, अभी 2 मिनट में जुड़ जाएंगे सभी लोग। तब तक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं चाहता था कि इसका ये हो जाए, मतलब सब लोग साथ में पढ़ें, तो अभी शायद लोग सो रहे हैं या जो कुछ काम में बिजी हैं। चले हम शुरू करते हैं। उन्माद नाशक वर्ती आदि, तो ऐसे बताया है कि ब्राह्मे मैंद्री विडंगानी व्योषम हिंगु जटाम मुराम रासनाम विषग्नाम लशुनाम विशल्याम सुरसाम वचाम ज्योतिष्मतिम नागविन्नामनन्ताम सहरितकिम कांक्षिच्च हस्ति मुत्रेण पिष्ट्वा छाया विशोषिता वर्तिनस्यांजनलेप धूपेरुन्माद सूदनी अवपीडाश्च विविदाः सर्षपाः स्नेह संयुताः कटुतैलेन चाभ्यंगो धमापेच्च चास्य तद्रजः सहिंगोस्तीक्ष्णधूमश्च सूत्रस्थानोदितोहितः श्रृगाल शल्य कालुक जलौका वृष्यवस्तिजैः मूत्र पित्त शक्रिन्मन्न खर चर्म चर्म भीराचरेत धूप धूमांजन अभ्यंग प्रदेह परिशेचनम। मतलब ब्राह्मी इंद्र वारुणी विडंग त्रिकटु हिंग जटामांसी मुरा रासना विषग्ना लहसुन कलिहारी तुलसी वच मालकांगनी नागदंती सारिवा हरड़ सौराष्ट्री मिट्टी, मतलब मिट्टी का फिटकरी, इनको हाथी के मूत्र से पीसकर वर्ती बनाकर छाया में सुखाकर नस्य अंजन आलेप तथा धूपन में भरते हैं, ये उन्माद नाशक है। सरसों के तेल में मिलाकर नाना प्रकार के अवपीड़न नस्य देवे सरसों के तेल का अभ्यंग करके सरसों का चूर्ण नासिका में फूके। सरसों का जो है सरसों संज्ञा स्थापन गढ़ में आता है। सूत्र स्थान में कहा तीक्ष्ण धूम हिंग के साथ देवे गीदड़ से उल्लू जलौका बैल और बकरा के मूत्र पित्त मल लोम नक और त्वचा को धूप में अंजन में अभ्यंग में प्रदेह में और परिशेचन में बढ़ते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी की अब हम टीका पढ़ेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ब्राह्म्य आदि भी गज मूत्र पिष्टा वर्ति छाया विशोषिता नस्याधिभिर उन्मादहृत विषग्ना अतिविषा विशल्या लांगली नागविन्ना नागदंती कांक्षी सौराष्ट्रिका। मतलब ब्राह्मी आदि जो भी मेडिसिन है, ब्राह्मी ऐन्द्री विडंग व्योष हिंगू ये सारी वनस्पति है, ये गज मूत्र पिष्टा मतलब हाथी के मूत्र में पीस कर वर्ती बनाना है, फिर छाया में सुखा देना है,
उसका नस्य आदि देना है तो उन्माद को ये नष्ट करता है। विषग्ना मतलब अति विषा, विशल्य मतलब लांगली, नागविन्ना मतलब नागदंती, कांक्षी मतलब फिटकरी सौराष्ट्री का। इसी तरह से 41 नंबर का श्लोक है, कल्काद्ये वपीडस्तु अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20/7, इति कथितो अवपीड ते वपीडा सर्षप तैलयुक्ता हिता अभ्यंगश्च सर्षप तैलेन तथा अस्य तद्रज सर्षप चूर्ण घ्राणे ध्यमापियेत तथा सूत्र स्थानोक्त तीक्ष्ण धूमो। अष्टांग हृदय अध्याय 21/17 हिंगुना सहित, मतलब कल्काद्ये अवपीडस्तु, कल्कादि से अवपीडन नस्य देना है, यही उन्होंने अवपीड़न से बोला है। ते व पीड़ा सरसप तैलयुता हिता, तो यहाँ पे उन्माद की अवस्था है तो सरसों के तेल से बनाया हुआ जो अवपीड़न से देते हैं तो वो हितकारी है। अभ्यंग भी सरसप के तेल से करना है, और उसी तरह से सरसप का जो चूर्ण है तथा से तद्रज, तद्रज मतलब सरसप का चूर्ण है उसको घ्राण में प्रधमन से मतलब धमापियत ऐसा बोला है, तथा सूत्र स्थानोक्त तीक्ष्ण धूमो मतलब सूत्र स्थान में जो तीक्ष्ण धूम बोला है, हिंगुना सहित हिंगू के साथ में उसका प्रयोग करना है। उसी तरह से 42-43 श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं श्रीगालादि मूत्रादिभिर धूमादिक दिकम आचरित अत्र जलौका चर्म चट्टिका, मतलब श्रीगाल जो गीदड़ आदि के मूत्र से धूप बनाना है और उसका धूप और धूम अंजन प्रदेय अभ्यंग परिसेचन करना है। और यहाँ पे जलौका बताया है, जलौका मतलब चर्म चट्टिका उसका पर्याय नाम है। इसके आगे का जो श्लोक है आदरणीय वंदना मैडम जी, आप पढ़ना चाहेंगी? संथा देके पढ़ना है, 1 मिनट, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं मैं देखता हूं। हाँ अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। हाँ वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी, आपके जी पीछे पीछे सब जी लोग मैं जी पढ़ेंगे। पढ़ती हूँ, उसमें अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। आज अंजना सक्सेना मैडम भी आ गई हैं। मैम आपको नमस्ते, महाजन सर आ गए और गंगवार सर भी आ गए हैं। जी सब लोग सब अनम्यूट सब करिए, अनम्यूट करिए, मैडम के वैजी पीछे पीछे बोलना है। हाँ बोलिए मैम। 44 बोल रहे हैं ना, हाँ पैति के तू प्रशस्ते धूप उसके पहले वाला भी पढ़िए, धूपये सततम चैनम। हाँ ये सततम चैन चैनम श्व गोमत्सय सपूति भी वात श्लेष्म श्लेष्मात्मके प्रायः पैतिक तू प्रशस्ते। रुकिए रुकिए, बाकी लोग भी बोलिए मैम के पीछे पीछे। गोमत्सय भी वात श्लेष्मात्मके प्रायः केतु प्रशस्यते। तिक्तम जीवनीयम् च सर्पि शेहस्मिश्रक तिक्तकम् जीवनीयम् च सर्पि स्नेहश्च मिश्रके। शीतान् पानीन मधुराणि लघूनि च शीतानि चापानानि विद्येश्च मधुराणि लघूनि च। राम यथोक्ता वातृप्तम् वेद्याभिषस्य वा। विद्येश्च राम यथोक्ता यथोक्तां वातृप्तं मेधांस्य वा। वेद्याभिषस्य निचातेशाय ये देवं मुच्यते मती विभ्रमात् निवाते साय देवं उच्यते मती भ्रमः। कुत्ता गाय मछली इनकी क्लिंग गंध के निरंतर इस उन्माद रोगी को धूपन देवे, यह चिकित्सा प्राय के वात कफ उन्माद में बरतते हैं। पैतृक उन्माद में तिक्त ग्रत कुष्ठ रोग का जीव जीवनीय घृत जीवनीय घृत और मिश्रक स्नेह गुल्म रोग अधिकार के उत्तम है। शीतल मधुर और लघु खान पान प्रशस्त है। सिरा वेद विधि से कई हुई सिरा का वेधन करें। मेदुर मास से तृप्त करके वायु रहित स्थान में रोगी को सुलाएं।
इस प्रकार उन्माद से रोगी छूट जाता है। जीवच ये जीवनागृत जो बताया ना पैतृक उन्माद में, यही मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था एथिकल कमिटी ने। मैंने तो बहुत सारा चीज दिया था, लेकिन एथिकल कमिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, 25-30 लोग रहते हैं, उसमें वकील रहते हैं, उसमें अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं, और आयुर्वेद के डॉक्टर रहते हैं, स्टैटिस्टिशियन रहते हैं। तो मुझे जीवनागृत दिया गया था और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में क्लिनिकल ट्रायल किया। तो बहुत सारे लोग जो वायलेंट बिहेवियर के थे, एग्रेसिव बिहेवियर के थे, और जो पागल थे मतलब उन्माद ग्रसित थे, उनका जो क्रोध है वो शांत हो गया था। ये मेरा रिसर्च है, इस पर मैंने थीसिस लिखा है। तो यही चीजें बताई हैं इन्होंने कि अगर वात कफज है तो उसमें कुत्ता का जो गंध आता है उसका बॉडी से, या फिर उसका जो चमड़ा वगैरह रहता है तो बहुत क्लीन गंध आता है वहां पे, उसके चमड़ा वगैरह का जो भी भाग अगर हमें मिलेगा, आप लोगों ने देखा होगा कुत्तों का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे तो कितना गंदा स्मेल आता है। ये सब क्या करते हैं, ब्रेन में स्टिमुलेशन देते हैं जो उग्र गंध रहता है। ऐसे गाय मछली, इनका जो क्लीन गंध होता है इससे धूपन कराना है। तो ये वात कफज उन्माद में करते हैं तो पेशेंट ना ठीक हो जाते हैं। पैतृक उन्माद में तिक्त घृत जो कुष्ठ रोग में बताया वही देना है। यहाँ पे माइंड पे भी काम करता है तिक्त घृत। जीवनघृत जो है वो माइंड पे काम करता है, क्रोध को शांत कर देता है। मिश्रक्स ने जो गुल्म रोग में बताया वो भी यहाँ पे शरीर की शुद्धि करता है, और उसमें घटक द्रव्य है वो उन्माद की संप्राप्ति संज्ञा व स्त्रोतस मनोव स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है। शीतल मधुर और लघु अन्नपान खान पान प्रशस्त है। सिरा वेद विधि से कहे सिरा का वेदन करे। मेदुर मास से तृप्त, मतलब जिसने मेद वगैरह है ऐसा फैटी युक्त मास है उसको खिला के वायु स्थान में रोगी को सुलाना है। इस प्रकार रोगी को उन्माद से रोगी छूट जाता है। आगे आगे का जो जीवनीय जी कौन, घृत बनाया था, तो जो हाँ जीवनीय गण है, मैंने जैसे घृत बनाया तो उन्होंने पूरे जीवनीय घृत, जीवनीय गण मिलते नहीं है, उन्होंने उसके को मिलते हैं लिए हैं मैंने तो कोट द्वार अलग से अलग, मंगवाया था, मैंने कोट द्वार जो है उत्तराखंड में वहां से मंगवाया था। वहां से बना बनाया मंगाया था। नहीं, वहां से जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीरकाकुली मधुपर्णी माषपर्णी जीवंती यष्टि मधु सब उधर से मैंने मंगवाया था। तो जीवक और ऋषभक मिल गया था मुझे वहां से। अच्छा, कुछ मिल जाते हैं वैद्य, काफी नहीं मिलते, लेकिन तो उनके अष्टवर तो वो सब मिलते हैं, अष्टवर तो हम च्यवनप्राश में डालते हैं, लेकिन जीवक ऋषभक संदिग्ध है कि वो मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिल गया था। तो वैद्य उस वहां का जरा वो दे दीजिएगा एड्रेस। हाँ मैं एक वैद्य जी का नंबर दूंगा, डॉक्टर जी अजित वर्मा जी, वो मेरे संहिता में ही सीनियर थे, तो वो आपको सब अरेंज करके देंगे। और सस्ता रहता है, दो जी सौ जी तीन सौ रुपये किलो में मिलता है वो जी जी। थैंक यू। उसके बाद में वो आया तो यहाँ पे अगरकर इंस्टीट्यूट है वहां पे उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है कि वो वही है क्या, जो बॉटेनिकल नेम फैमिली। तो वो अगरकर इंस्टीट्यूट जो बॉटनी डिपार्टमेंट का है उसने ये किया, फिर ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट दिया, तभी मतलब आगे रिसर्च होती है। चलिए मैंने बनाया जो वैजी, काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मतलब अगर ऑथेंटिकेशन हो जाए, और यहाँ भी डिपार्टमेंट्स हैं कुछ एग्रीकल्चर के हैं इधर कानपुर में, तो हम लोग वो तो कर सकते हैं, पर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड मिल जाए तो उसको हम यहाँ मार्केट में भी बोल सकते हैं कि वो आ जाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग लेते हैं तो कभी कभी नहीं मिलता है। सर, उनका हाँ नंबर ग्रुप में डालना सर। हाँ डॉक्टर अजित वर्मा जी हैं, उनका मैं ग्रुप में डालूंगा। तो जी ना आप उनसे कॉल करेगा, मेरा नाम बोलिएगा, तो वो एमडी हैं और कहीं तो वो प्रोफेसर भी हैं उत्तराखंड में संहिता डिपार्टमेंट में, तो वो आपको सब चीज दिलवा देंगे। उन्होंने तो खुद खरीदा और मुझे दिया, मेरे से पैसे भी नहीं लेते, मतलब वो नहीं इतने अच्छे हैं। सर, कई कई मेडिसिन आसपास में अपने को यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस तरह की ऑथेंटिक मेडिसिन उपलब्ध हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, फिर कहीं दवाई बनाने में दिक्कत ही नहीं है। हाँ सही बात है, मैं दे दूंगा सर। इसका टीका पढ़िए प्लीज, ए न चोन्मा देना, वैजी मैं पढ़ू, कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़िए। हैन चोन मादिन पुनः पुनश्च गो मत्स्यादि भी सृष्टि पूति गंध भी धूपयेत वात श्लेष्मात के भव्यतिनेश उपक्रम। इसका मतलब है कि ए न च उन्मादिन, जो उन्मादी रोगी है उनको बार बार गाय का मछली का कुत्ते का जो उनका सड़ा हुआ चीजें हैं बॉडी पार्ट्स उसको धूपन करके
उनको सुंघाना है, तो उससे वात कफ जो संप्राप्ति से उन्माद हुआ है वह पूरी तरह से ठीक होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उपक्रम करने हैं जिससे वात और कफ जन्य उन्माद है वह ठीक हो जाए। इसके बाद वाला 44 45 का भी टीका पढ़ दीजिए। इसका क्या, और मतलब कैसे इसका कोरिलेशन है कि जो भी जो ये जी दुर्गंधी वाली चीजें होती हैं, दुर्गंधी वाली चीजें होती हैं वो एक तो गंध होता है, एक दुर्गंध होता है। तो गंध वाली चीजें जो रहती है वो मन पे काम करती है। अच्छा परफ्यूम लगाया, अच्छा फूलों का जैसे गजरा लगाया, तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पे एक वायु और कफ की वजह से आवरण है, स्रोतस अवरुद्ध है, तो हमें मन को जागृत करना है। तो दुर्गंध वाला चीजें देंगे तो इंसान इरिटेटेड होगा और मन उसका साफ हो जाएगा, मतलब जो मनोवस स्रोतस है। यहाँ पे उन्माद क्या है, मतलब मन की बीमारी है ना, और मन को ही ठीक करना है तो दुर्गंध देना है। सुगंध से तो वो ठीक नहीं होगा, दुर्गंध देना है, सुगाना है जी। 44 45 नंबर। और यहाँ पे कैसे जो हम लोग बोलते हैं कि कांटे से कांटा निकालना, वो बीमारी है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो दुर्गंध का सुगाएंगे तो फिर वो कांटे से कांटा निकालना ऐसा हो जाता है। चलिए 44 45 नंबर का श्लोक है, पैतृके तुन्मादेव वाला पढ़ दीजिए। वंदना मैडम जी आप पढ़िए। जी। अंजना मैम आई है, अंजना मैम पढ़ दिए जी। आगे का श्लोक वही पढ़ने वाली है, पैतृके आप ये कंप्लीट। तु प्रशस्ति तिक्तम जीवनीयम च सर्पी, ये तो पढ़ लिया वह जी। नीचे टीका पढ़िए। अच्छा, पैतृके तु उन्मादे तिक्तम जीवनीय च प्रशस्ते तथा मिश्रको यमक स्नेह प्रशस्ते तथा शिशिराणी मधु अन्नपानी लघुनि च शस्यते। इसका मतलब कि पैतृक उन्माद रहे तो उसमें तिक्तक घृत, तिक्तक सर्पी, सर्पी मतलब घी, जीवने घृत शस्य शस्यते वो अच्छा रहता है। तथा मिश्र को यमक स्नेह प्रशस्यते, मिश्रक स्नेह मतलब यमक स्नेह मतलब दो तीन जो तेल घृत वसा मत जा, तो दो दो वाला सबसे अच्छा रहता है। और शिशिर आदि ऋतु में मधुर अन्नपान और लघु अन्नपान को दिया जाता है, यह शस्यन्ते सबसे अच्छा रहता है। चलिए आप अंजना मैडम जी अगर आप पढ़ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। 46 47 से आगे के सारे श्लोक पढ़ना है, अंजना मैडम आप पढ़ सकती हैं। जी सर नमस्कार, नमस्कार वंदना मैम, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। जी सर, जी सर, 46 पढ़े सर। 46 का टीका रह गया है, वंदना मैम आप ये कंप्लीट करिए फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तथा शिरावेद विद्युक्ता, तथा शिरा विविध युक्ता शिरा विद्येत मेदुर्मासस्य तृप्त निवास स्वाप एव कृते प्रतिमति विभ्रमात मुच्यते। मतलब इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जो सिर की सिराएं हैं उसका अगर हमने व्यधन करके रक्त निकाला तो सिरा व्यध से भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। और जो फैट्स वाले मांस हैं, जो प्राणियों में फैट्स है, वो मांस खाने के और बिना वायु है वहां पे उनको तृप्त करके सुला देना है, ये भी मति विभ्रम जो हुआ है, सिजोफ्रेनिया वगैरह हुआ है, उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है। मुच्यते मतलब निकल जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ अब अंजना मैडम जी आप पढ़िए 47 नंबर का श्लोक, और सब लोग अंजना मैडम के पीछे पीछे बोलिएगा। अंजना मैडम अनम्यूट कर पा रही हैं? जी सर, जी सर, कोशिश करते हैं सर। जी सर, प्रक्षाप हाँ जी। सलिले कूपे, प्रक्षाप सलिले कूपे शोषेद्वा कूपे बुभुक्षया, शोषयेद्वा बुभुक्षया, उसी आशाश्रयेत सुहृतम, आश्वास आशाश्रितस्तम वाह वाक्ये धर्मार्थ संहिते, वा वाक्ये धर्मार्थ वाक्य संहिते धर्मार्थ पुर्यादिष्ट विनाशम वा, पुर्यादिष्ट विनाशम विनाशम दर्शिए दर्शयेद द्रुतानि वा, द्रुतयेद द्रुतानि वा, भूतानि पद्यं सशर्प तेलाक्तम, वद्यं सशर्प तेलाक्तम, वद्दं न्यसेद व्यक्त दान सॉरी
नशेद व्यद दो तानम आत है आत पे, दो तानम आत पे, नशेद से दो तान मात पे। तपे तपे। कपी कच्छांग अथवा कपी कपी कच्छा कपी अथवा कपा तपते लोहो तेल जले स्पृशते स्पृशेत, तप तप्तई लोहे तपो तेल जले स्पृशेत। तेल कशाभि कसाभि स्ताड़यित्वा वा कशाभि स्ताड़यित्वा स्ताड़यित्वा मध्यम शवे विनिक्षिपेत, वत्सम शवे विनिक्षिपेत। क्षिपे अथवा वीत शस्त्राश्म जने, अथवा अथवा भी की शस्त्राश्म जन संतम जने असे ग्रह, संतम से से ग्रह संतर्पणो देव दृष्टेन, संतर्पणो दृष्टेन ग्रह दान्ते सिंगे गर्द से तमाह, दान्ते सिंगे गांधी श्रेष्ठतम। त्रास ये शस्त्र हस्तेर वा त्रास त्रास ये ये सहस्त्र शस्त्र हस्तै वा, वा किरा किरा तारा तिस्तस अति किरा तारा अति तस्करे, किरा तारा तारा अति तस्करे तस्करे। अथवा राजपुरुषा बहिनीत्वा सुसंयतम, अथवा अथवा राजपुरुषा राजपुरुषा बहिनीत्वा सुसंयतम। भापिये बहिनीत्वा यु वर्धनेनम तर्जयन्तो नृपाग्या, भापिये यु वर्धनेनम सुसंयति तर्जयन्तो नृपाशया। देहे दुख भयेभ्यो हि परम प्राण भयम् मतम्, भयेभ्यो हि पर प्राण भयम् मतम्। तेन देहे याति शमं तस्य सर्वतो विप्लुतं मनः, तेन यानि शमं तस्य सर्वतो विप्लुतं मनः। इसकी जो हिंदी है, इस हिंदी में लिखा हुआ है कि सर की बुक से पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि पानी रहित कुएं में गिराएं या भूख से क्रश करें, अथवा मित्र उसको धर्म और अर्थ युक्त वचनों से आश्वासन दे, इष्ट वस्तु का नाश कहें या अद्भुत वस्तु दिलावे, अथवा सरसों के तेल का अभ्यंग करा के बांधकर धूप में चित्त पीठ के बाहर लिटा दें, कांच गरम लोहा गरम तेल या गरम जल से उसको स्पर्श करें, चाबुक से मारकर या बांधकर गड्ढे में गिरा दें, अथवा शस्त्र पत्थर और मनुष्य से रहित अंधेरे घर में रख देवें, दांत निकालें सांप से या वशीभूत किए सिंह या हाथी से उसको डराएं, हाथों में शस्त्र लिए भील दुश्मन चोरों से इसे डराएं, अथवा राजपुरुष इसको भली प्रकार बांधकर बाहर के बाहर बाहर जा बाहर से जाकर बद के डर से डराएं, राजा की आज्ञा का भय दिखाकर चमकाएं धमकाएं, सॉरी राजा की आज्ञा का भय दिखाकर धमकाएं, क्योंकि शरीर के दुख से प्राणों का भय अधिक होता है, इससे सब ओर से किंचित विक्षिप्त हुआ मन संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, देश काल आदि की अपेक्षा से सफलता देने वाली ये क्रिया बरतनी चाहिए। बहुत कठिन चिकित्सा बताई है उन्माद के रोगियों मापन के लिए। चिकित्सा पेशेंट को डराना है, धमकाना है, ताकि जी उसका जी डर निकले और उसका उन्माद ठीक हो जाए। आजकल खैर जी, शॉक आजकल आजकल तो मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि ये मारना वगैरह। मारते नहीं है, लेकिन शॉक ट्रीटमेंट देते हैं ना, इलेक्ट्रिक का स्मॉल वोल्ट। हाँ मतलब अलग, जैसे पहले अलग होता था इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह।
अलग रखते हैं कमरों में, वो भी सब मेंटल हॉस्पिटल्स में सर, जो मेडिसिन वगैरह जिस तरह से उनको रखा जाता है अंधेरे कमरों में, डराया जाता है, शॉक दिया जाता है, उसी का ही एक जो है दूसरा रूप आया है सामने। लेकिन ये कि रियली बहुत कष्टप्रद है, अगर आप देखें तो चिकित्सा जो है ताड़न चिकित्सा में आएगी शायद ये बहुत। जी अगर नहीं करेंगे तो पागल है ना, वो आपको तकलीफ देंगे, रोड पे बैठ गए ना पत्थर से मारेंगे, इंजर करेंगे सर, ये वो। पीड़ा इस तरह की नहीं है, केवल डराना है, दांत उखाड़े सर्प से उसको डराना है, हाथी के उससे उसको डराना है, उसको उसको मतलब मारना नहीं है, केवल उसके मन में धमकाना है जीवन बस। के, हाँ जीवन के प्रति भय बनाना है, जो कि बताया है ना कि जीवन में जीवन मतलब को कुआं में बचाने के गिराना लिए। नहीं है, कुआं में गिरा के उसको दिखाना है। जैसे कई बार हमारे यहाँ एक दो लेडीज का किया था, वो आत्महत्या के लिए बहुत भागती थी, तो उनको क्या किया उन्होंने, उनके घर वालों ने कि रस्सी से बांध के और कुएं में लटका दिया और डुबा दिया, फिर उठा लिया, डुबा दिया और फिर उठा लिया कि लो कूद अब आत्महत्या कर, और उन्होंने आत्महत्या करना छोड़ दिया उसके बाद में। तो इस तरह डराना डराना है, ये उसको गिराना नहीं है कुएं में, जी सही कह मतलब प्राण की तो रहे, रक्षा करनी ही है हमें, लेकिन उसके मन की चिकित्सा के लिए इतना स्ट्रांग करना है। एकदम मन बहुत जब तक अच्छा स्ट्रांग नहीं डिस्क्रिप्शन होगा किया ना। सर जी आपने, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया बिल्कुल एकदम। हाँ जी आंखों देखा जैसे लगने लग गया। सही कह रहे हैं कि डराना है और उसको ऐसा करना, गहरे कुएं को खाली को दिखाना है उसकी डेप्थ की, गिर जाओगे तो ऐसा होगा लेकिन गिराना नहीं है। जी, क्या है ना, मेरा एक पर सर क्लासमेट है, इसमें मैडम जो पढ़ी थी उसमें चाबुक से कुछ था, तो शायद चाबुक भी फटकारना होगा जमीन में या दीवार पे, उसको मारना नहीं होगा उससे। अच्छा जी मेरा एक क्लासमेट ना आर्मी में ये है, ब्रिगेडियर है, तो उसने ऐसे बताया था कि जब उनकी ट्रेनिंग होती थी ना, तो उनको ना बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई जाती थी उनको, मतलब अलग फ्रीक्वेंसी में सुनाया जाता था, डराया जाता था उनका। सब जो कमांडो ट्रेनिंग होता था ना, उसमें मन को बहुत टफ बनाया गया है कि वो घबराए नहीं कभी भी गोलियों की आवाज से या टैंक की आवाज से। वहां मृत्यु से नहीं डरना है, मौत तो मौत, लेकिन देश के लिए लड़ना है। तो ऐसे अग्निवीर जो है उनको भी ना पहले बहुत डराया जाता है, डराने का मतलब ये है कि मन को स्ट्रांग करना है, तभी वो आगे आगे पास होते हुए अग्निवीर बन जाते हैं। मन स्ट्रांग रहा तो इंसान आगे जीत सकता है। तो यहाँ पे गोले बरस रहे हैं, वो डर के भाग जाएगा, खून देखेगा डर के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इसकी टीका पढ़नी है, अथवा कौन जी सर, पढ़ेगा, आप ही पढ़ दीजिए मैम। हाँ मैं पढ़ती हूँ। अथवा जल वर्जिते कूपे प्रक्षेपे क्षुधा शोषये, अथवा तम उन्मादवन्तम सुहृतम धर्मार्थे युते वाक्ये वाक्येर आश्रयेत शांत शांतवेत, अथवा से पुत्रादि विनाशम विद्यातम तम ब्रूयात, अद्भुतानि वा तम दर्शयेत, अथवा कटु तेलना अभ्यक्तम बध्वा तम उत्तानम कृत्वा आतपे न्यसेत, कपि कच्छात् स्पृशेत, अथवा तप्ते लोहा दिवि, अथवा चर्म कशाभि रहाते पद्यम संततम संततम बटे विनिश्च विनिश्चिपेत, शस्त्रादि वर्जते तोगारे भवने वा वच्या विनिश्चेत, ननु चा एकस्य शून्य गृहे स्थितिर उन्मादस्य निद्रा निदानम उक्तम, यस्य निदानम तदेव तस्य कथम चिकित्सितम स्यात्। नैष दोष तदर्थ कारिम भेषज तदम कारी भेषजत्वात् तदर्थ कारणी ही भेषजे यदेव निदान तदेव औषधम, यथा तुच्छ दग्धे अग्नि प्रतपनम मदात्ते मदपानम इति तद विधि खाप्य यवगंतव्यम, अथवा समुत्पाटित समुत्पाटित दृष्टेन सर्पेण भापियेत,
दांते गजादि विभा, राज पुष पुरुत्वा वही नात्वा चा मुष्टु यंचित कृत्वा राजाज्ञा तर्जन्त्यो वधेन भाप्ययु यतो देहदु खब्यस्य सकाशात पर अतिशयन प्राण भयम मतम तेन भयन इतश्चे चित्तः विप्लुतम उन्मादिनो शम्ये शमम इति। जी सर, थैंक जी, यू सर। इसका मैं टीका पढ़ देता हूं। जी टीका का अर्थ बता देता हूं। इसमें बोल रहे हैं कि जल वर्जिते कुपे, जहां पे पानी नहीं है ऐसे कुएं में डालना है और उसको खाना पीना नहीं देना है, शोषित सुधा शोषित भूखे रखना है उसको। तत्वा तम उदाव उन्माद बंत सुहृद धर्मार्थे युते वाक्य आश्वासित, मतलब उन्माद जिनको हो गया है उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो लोग धर्म की बातें करें, पैसे की बातें करें, ऐसे वाक्यों से आश्वासन देना है। सांत्वयत, उनकी सांत्वना देनी है। अथवा पुत्र विनाश विघार तबुरियात, मतलब आपका बच्चे का डेथ हो गया, आपकी वाइफ का डेथ हो गया, ऐसे डराना है, ऐसे बातें बोलनी है। अद्भुतानि वात दर्शियत, अद्भुत चीजें दिखानी है जिससे वो एकदम कांप जाए, ऐसे हॉरर मूवी जैसे रहते हैं वैसे चीजें से वो घबरा जाए और ठीक हो जाए। अथवा कटु तेलन अभ्यक्त बद्वा, मतलब कटु तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के वो तान पेट के बल लेटा के और उसको धूप में लेटा देना है, या कपि कच्छू का जो बीज है उससे स्पर्श करना है जिससे वो उसकी संज्ञा आ जाए, या तप्त लोहे आदि भी, मतलब लोहा गर्म करके उसको चटका देना है जैसे अग्निकर्म करते हैं वैसे करना है। अथवा चर्मक शाभि रहत बद्व संतम वटे विनिक्षिपेत, मतलब जैसे चमड़ा होता है ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं ना उससे बांध के और उसको पेड़ के पास बांध के ऐसे रख देता है, रख देना है। या शस्त्रावर्जिते तवगारे, ऐसे जहां शस्त्र वगैरह रहते हैं वहां पे शस्त्र ना होके अंधकार भवन में उसको बांध के रख देना है। या फिर ननु च एकस्य शून्य गृह, सुनसान घर में उसको रख देना है, तो उससे क्या होगा, निदान में जो चीजें बताई हैं, निदान में जो कही गई है सुनसान घर में रखना है, और जो जो निदान से वो हुआ है, जो जो हेतुओं से हुआ है वो सब हटा के चिकित्सा करना है। वात से हुआ है तो एंजाइटी है तो वायु के सारे हेतु बंद करने हैं। पित्त से हुआ है तो क्रोध वाली चीजें हटा देनी है। कफ से डिप्रेशन हुआ है तो कफ वाली चीजें हटा देनी है, मतलब मन पे जो जो चीज से हो रही है। न ऐश दोष, इस तरह से दोष नहीं होगा। तदर्थकारी भेषजत्वात्, मतलब अर्थकारी भेषज मिलेगा तो उसका फायदा होगा। तदर्थ कारण तो भेषज है यदैव निदानम तवे तदैव औषधम, जो जो चीजों से जो निदान है उसके अनुरूप हमें चिकित्सा देनी है, औषधियां देनी है तो वो ठीक हो जाएगा। यथा तुच्छ दग्ध अग्नि प्रतपनम मदाते मद्यपान मिति, मतलब जहां पे कोई दग्ध हो गया है तो अग्नि से उसको डराना है, तप्त करना है, मदाते है तो मद्यपान करना है। यद्याप्यव गंतव्यम यथवा समुपार दृष्टि सर्पेण भापित, मतलब ऐसे चीजों से उनको लेके जाना है वहां पे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट वाले से फिर वो उन्माद में जाता है, तो उसको एक्सीडेंट दिखाना है हमें किसी भी तरह से। या फिर दांत निकाला हुआ जो सांप है उससे डराना है, या हाथी और जो शेर है जो कंट्रोल में है उनसे डराना है। राजपुरुषा बहिनात्वा तो सुष्टु यंत्रित कृत्वा, राजा के जो आज्ञा है कि राजा अब तुम्हें फांसी दे देगा ऐसे करके, तर्जन्यंतो, तर्जन्यंतो मतलब डराना है राजा के आज्ञा से, उससे भाप्ययु उसको डराना है। यथो देह दुखेभ्य साकाश परे अतिशयन, शरीर के दुख से ज्यादा उसको प्राणों का भय दिखाना है। प्राण भयम मतम, प्राण का भय सबसे ज्यादा वो डराने वाला रहता है, तो इंसान का मन ठीक हो जाता है। तेन भयन इतश्चेतस्य विप्लुत उन्मादन शम्य मेति, विप्लुत उन्मादिन मतलब जो सिजोफ्रेनिक है, जो दूसरी दुनिया में जब उसको डराते हैं तो उसका मन स्थिर हो जाता है, वो इस दुनिया में आ जाता है और उसका उन्माद ठीक हो जाता है। चलिए वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर करेंगी? वीना मैम या महाजन महेंद्र सर, आप लोगों में कौन करेगा? भगवान का प्रेयर कर दीजिए। आपको तो हनुमान जी करूंगा, आपको तो हाँ चश्मत करूं। हाँ करिए जो आपको करना है वो करिए। मनोयवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
वानरयूतमुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़े। अब हम शाम को 6 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।